सो आप सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम समराइज करेंगे दो क्वारल चैप्टर स्टैंडर्ड सिक्स का। ये जो चैप्टर है दो क्वारल, ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे घर घर की कहानी के बारे में। हर घर में भाई भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, बहन बहन भी होते हैं। उनके बीच में जब झगड़ा होता है तो वो किस बात को लेके होता है, कैसे होता है, कहानी कहां तक पहुंचती है और उसके बाद वो मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, उनका मनमुटाव वैसे रहता है या वो फिर से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हैं या फिर वही बात को वो दिल में लेके बैठ जाते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर ये चैप्टर है, दैट इज द क्वारल। तो कहानी कुछ इस तरह से है, जो कवि है, कवि का अपने भाई के साथ किसी बात को लेके एक डिस्कशन हुआ, किसी बात को लेके, उसके बाद वो डिस्कशन आर्गुमेंट में बदल गया और उसके बाद वो आर्गुमेंट एक लड़ाई के रूप में सामने आया। तो दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, दोनों के बीच में हाथापाई हुई, झगड़ा भी हुआ। तो ऐसा करके दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया। तो उसके बाद कवि ने अपने भाई का चेहरा देखना पसंद नहीं किया और उसके भाई ने कवि का चेहरा देखना पसंद नहीं किया। तो पूरा दिन कुछ इस तरह से गुजरा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जैसे जैसे शाम नजदीक आती गई, तो दोनों भाइयों के बीच में जो प्यार था कुछ इस तरह का था कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर अकेला नहीं रह सकते थे। तो बड़ी देर के बाद कवि के जो बड़े भाई हैं उनको ये एहसास हुआ कि वो गलत है। हालांकि उन दोनों के बीच में कौन सी बात को लेकर झगड़ा हुई ये दोनों को याद ही नहीं। वो दोनों जो झगड़ा किए वो किस बात को लेकर झगड़ा हुई दोनों में ये दोनों को याद भी नहीं, मगर जिस बात को लेकर झगड़ा हुई वो बात ही याद नहीं है। ठीक है, सो कवि के भाई को ये एहसास हुआ कि मैं गलत हूं। तो उसने अपने भाई के पास, मतलब कवि के पास गया और उसका पीठ थपथपाया और बोला कि भाई तू सही था, मैं गलत था। तब कवि ने कहा कि नहीं भाई, आप सही थे और मैं गलत था। अब देखो कौन सी बात को लेके दोनों में झगड़ा हुई ये बात उनको याद नहीं है। पहले ये बोल रहे थे कि मैं सही हूं, वो बोला था मैं सही हूं। अब बोल रहे हैं, बड़ा भाई बोल रहा है मैं गलत था, अब कवि बोल रहा है कि नहीं मैं गलत था। तो दिस इज द लॉ बिटवीन टू ब्रदर्स। ईच एंड एवरी फैमिली हैज सम और सेम टाइप ऑफ किड्स। उन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार था, इसीलिए पहले किस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुई अभी याद नहीं, अब थोड़ी देर मुंह बुला के बैठे, एक दूसरे के ऊपर नाराजगी जाहिर की। अब जब शाम ढलने को आई तब एक दूसरे से वो बोल रहे हैं कि गलती मेरी है, वो बोल रहा है गलती मेरी है। और उसके बाद दोनों फिर एक साथ गले मिले और फिर से जैसे थे वैसे होके एक साथ खेलना, एक साथ कूदना, एक साथ दौड़ना, फिर से दोनों दोस्त होके आपस में मिले। तो ये कहानी तो हर घर में होता है और हिंदी में कहावत भी है कि हम जिससे ज्यादा झगड़ा करते हैं प्यार भी हम उससे ज्यादा ही करते हैं। सो भाई भाई हो या फिर भाई बहन हो या फिर बहन बहन हो, इन दोनों के बीच में प्यार रहना जरूर चाहिए, प्यार रहना चाहिए। मेरे ख्याल से प्यार रहना चाहिए, तब जाके दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सबसे
अच्छा होगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर और खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। Oh, okay.